लोएड एसी ख़राब है, लोएड एसी बेकार है, लोएड एसी को परचेज़ नहीं करना है, इस तरह कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में ढेर सारा आया हुआ था। इसी कारण से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। आपका गुस्सा जायज़ है, मैं ये समझ सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतना पैसा लगा करके अगर आप एसी परचेज़ किए हैं और गर्मी ही में आपको ठंडा ना मिले तो आपका गुस्सा यहाँ पर बिल्कुल जायज़ है। लेकिन यहाँ पर आप कुछ कंडीशन समझिए, किस कारण से आपका एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और प्लस ये भी बताऊँगा कि आपको लोएड एसी लेना है या फिर नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप लोगे तो क्या करना है आपको, ताकि आपका जो कूलिंग परफॉर्मेंस होता है वो आपका बेस्ट रहेगा, ठीक है। और इस एसी में क्या प्रॉब्लम होता है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सारा चीज़ बताने वाला हूँ। लेकिन चैनल पर नए तो प्लीज़ भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मैं आप लोगों को सारा डिटेल बताता हूँ इस एसी के बारे में। लोएड एसी हो या फिर कोई और कंपनी हो, कूलिंग नहीं आने का रीज़न बहुत सारा होता है। लेकिन अगर नए एसी में कूलिंग नहीं आ पा रहा है तो इसमें कारण बहुत ही मेजर होता है, ठीक है। उसे मैं सबसे पहले आपका क्लियर कर लेता हूँ। सबसे पहला चीज़, अगर आप लोएड एसी को लगवाए हो तो कंडीशन पहले हमारा ये होता है, इंडोर यूनिट तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से लगवाते हैं, लेकिन आउटडोर यूनिट जो रहता है आपको वो प्रॉपर जगह पे लगाना होता है। मैंने अभी जो लोएड एसी होता है उसका प्रॉब्लम मैंने ढेर सारा देखा है, और कस्टमर का भी यही कहना था भाई ये एसी बहुत ज़्यादा बेकार है, इस एसी को लेना ही नहीं है, क्योंकि ये एसी मैं ले करके फंस चुका हूँ। और बहुत जगह पर मैंने ये भी नोटिस किया है, एक घर में 3 या 4 एसी लगा हुआ है लोएड कंपनी का, और वो सब संतुष्ट और बहुत अच्छे तरीके से उनका भी कूलिंग परफॉर्मेंस मिल रहा है लोएड एसी से, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे समझिए, प्रॉब्लम आपका क्यों हो रहा है। सबसे पहला चीज़, जो आउटडोर यूनिट आप लगाया है, कभी भी आप उस जगह पे आउटडोर यूनिट नहीं लगाए जहाँ पर उसका हवा का फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पा रहा है। अगर उस तरह का प्रॉब्लम में अगर आप एसी लगा रहे हो, मतलब मान के चलते आपका जहाँ पर आउटडोर यूनिट लगा हुआ और उसका हवा का फ्लो के सामने एक वॉल है, तो गली वगैरह जैसा होता है, ठीक है, नाली वगैरह फिर गली वगैरह के ऊपर आप लगा चुके हैं या फिर सामने में वॉल है, उस कंडीशन में आपका आउटडोर यूनिट ट्रिप करेगा, क्योंकि कंप्रेसर ओवरहीट होगा। ओवरहीट होने का रीज़न यही है कि हवा का जो फ्लो रहता है वो गर्म हवा वो प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, आपका जो आउटडोर यूनिट का कंप्रेसर होता है वो ओवरहीट हो रहा है और बार बार वो ट्रिप कर रहा है, इस कारण से भी आपका कूलिंग नहीं मिलता है। क्योंकि प्रॉब्लम हमारा ये होता है कि इंस्टॉलर जो इंस्टॉल करने आते हैं एसी का, उनका काम होता है इंस्टॉलेशन करना और निकल जाना। बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे भी होते हैं जो आपको सलाह देते हैं कि नहीं, यहाँ पर इंस्टॉलेशन आप मत करवाइए, इस ऑडियो यूनिट को आप कुछ और जगह पे लगाइए जहाँ पे आपका ऑडियो यूनिट बहुत ही अच्छे तरीके से लग पाएगा और आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे होते हैं, उनका काम है सिर्फ इंस्टॉलेशन करना और उसके बाद वो उनका काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बाकी जो टेक्नीशियन वगैरह रहते हैं, जो सर्विस सेंटर के लड़का रहते हैं, वो लोग ये सब प्रॉब्लम को फेस करेंगे, और टेक्नीशियन जो रहते हैं इंस्टॉलर वाले वो आते हैं इंस्टॉल करके चल जाते हैं। तो आपको समझना ही पे, जो आउटडोर यूनिट आप लगवा रहे हो उसको ऐसा जगह पे लगाना है जहाँ पर हवा का फ्लो इजिली निकल जाए। हवा का फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाएगा तो आपका प्रॉब्लम यही करेगा, कंप्रेसर ट्रिप करेगा और आपको कूलिंग नहीं मिलेगा। ये पहला कारण था। सेकंड जो कारण, जो मुझे नॉर्मल भी ये प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, बहुत सारा कस्टमर का ये कहना है, एसी लगने के बाद आप रूम का साइज़ भी दे सकते हैं और इसमें कूलिंग हमारा आ ही नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कंडीशन, और कंडीशन मैंने भी देखा कि वहाँ पर कूलिंग आ ही नहीं रहता भाई, जबकि 1.5 टन का एसी है, 130 से 140 स्क्वायर फीट का रूम में लगा हुआ, लेकिन कूलिंग जिस हिसाब से होना चाहिए वो कूलिंग नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप समझिए, एसी का कोई फॉल्ट नहीं है भाई। जो भी एसी आते हैं मार्केट में वो फुल टेस्टेड एसी आते हैं, आप ध्यान से समझिएगा, टेस्ट होकर के एसी मार्केट में आते हैं, उसके बाद ही हो सकता है कुछ कंडीशन में कुछ एसी में प्रॉब्लम होता है, लेकिन ज़्यादातर एसी में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आपका आ रहा है, वो प्रॉब्लम हमारा ये है कि जब हम आउटडोर यूनिट को लगा रहे हैं या फिर एसी इंस्टॉल न्यू करवा रहे हैं, तो उसका वैक्यूम, जैसे मैंने कहा आप लोगों को बहुत सारे वीडियो पे बताया, वैक्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वैक्यूम अच्छे तरीके कर से करके उसका गैस को अगर हम लोग रिलीज़ करेंगे, गैस को छोड़ेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका कूलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। वैक्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर को ये बात पता नहीं है, उनको तो आइडिया भी नहीं है वैक्यूम होता क्या है। वैक्यूम का मतलब यही होता है, जो आपका एसी इंस्टॉल होने के बाद जो उसके अंदर पाइप के अंदर एयर वगैरह ज़रा से भी रहेगा, वो सारा को मॉइस्चर वगैरह को निकाल के वो बाहर कर देगा। उसके बाद जब हमारा गैस रिलीज होगा, गैस ओपन होगा, तो पाइप में सिर्फ गैस होगा, और पाइप पे गैस होने की वजह से कूलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिल पाएगा। तो ये कुछ कंडीशन, ये कुछ प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से आपको प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल पाता। तो अगर आप वैक्यूम करवाओगे तो आपका कूलिंग 110% बढ़िया से बढ़िया आपको देखने को मिल पाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया, अगर वैक्यूम प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपको कूलिंग भी प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर एसी का प्रॉब्लम नहीं है, लोएड एसी कंपनी का प्रॉब्लम हमारा ये है, जो इंस्टॉलर आ रहे हैं वो वैक्यूम अगर प्रॉपर करेंगे तो आपको कूलिंग भी प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। R32 गैस और R410 में वैक्यूम इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम करके अगर एसी को हम लोग यूज़ करेंगे तो कूलिंग बहुत अच्छा मिलेगा। पहला प्रॉब्लम आपका ऑडियो यूनिट गलत जगह लगने का, दूसरा हमारा वैक्यूम नहीं करने का, ठीक है, और तीसरा जो प्रॉब्लम वो भी आपको समझना जरूरी है। एसी इंस्टॉल होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एसी को चलाते हैं और कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक उसमें कूलिंग आना कम हो जाता है,
10 दिन 15 दिन या 20 दिन के बाद, तो इस कंडीशन में क्या होता है वहाँ भी समझिए, यहाँ पर भी एसी का प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम हमारा वहाँ पे ये होता है कि जहाँ पर नट टाइट होता है, चार जगह नट टाइट होता है स्प्लिट से, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। इंडोर यूनिट के दो इंडोर यूनिट के पास होता है और दो हमारा आउटडोर यूनिट के पास होता है, तो उसमें कंडीशन ये होता है अगर प्रॉपर तरीके से नट टाइट नहीं होगा या फिर उसमें अगर वो लीकेज वगैरह टेस्ट नहीं करते तो क्या होता है कि उसमें धीरे धीरे लीक होता है। अगर नट प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं रहेगा तो वो धीरे धीरे लीक अगर होगा, गैस अगर धीरे धीरे आपका बाहर निकल जाएगा, जिस तरह से गैस आपका होना चाहिए वो कम होगा, तो ये समझने वाला चीज़ है कि आपका कूलिंग भी कम आने लगेगा। तो इम्पॉर्टेंट हमारा ये है, अगर नट टाइट प्रॉपर तरीके से होगा, जो इंस्टॉलर है वो लीकेज टेस्ट वगैरह करके जा रहे हैं, अगर उसमें गैस कम नहीं होगा तो आपको कूलिंग भी प्रॉपर मिलेगा। तो यहाँ पर भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर इंस्टॉलेशन हो रहा है तो वहाँ पर लीक भी टेस्ट करना ज़रूरी है, गैस लीक। अगर गैस कम होगा समय के हिसाब से तो आपका कूलिंग भी कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी इंस्टॉलर का प्रॉब्लम होता है, अगर इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से करने के बाद वो गैस टेस्ट नहीं करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर तीसरा प्रॉब्लम होता है। चौथा प्रॉब्लम हमारा क्या होता है कि अगर वोल्ट का इशू, वोल्टेज इशू बहुत जगह पर होता है, जो कि मैंने ये चीज़ देखा है, वोल्टेज फ्लैक्चुएट होता है। एसी परचेज़ करने के बाद हम लोगों को यही लगता है कि एसी में स्टार्टर लगाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आपका सही है कहना। अगर आपके घर पे वोल्ट प्रॉपर तरीके से आता है, वोल्टेज इशू नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपको वोल्टेज लगाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ओवरलोड होता है, वोल्टेज वगैरह फ्लैक्चुएट करता है, तो उसके वजह से प्रॉब्लम हमारा ये होता है कि आउटडोर यूनिट क्या होता है वो स्टार्ट नहीं होगा प्रॉपर तरीके से। अगर स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिक उसका जो कंप्रेसर होता है वो ट्रिप वगैरह करना चालू करेगा, एक बैक डाउन वोल्टेज होगा, एक बैक स्पीड वोल्ट ज़्यादा हो जाए, तो ये सब कंडीशन की वजह से हमारा जो आउटडोर यूनिट रहता है वो प्रॉपर तरीके से रन नहीं करेगा, जिसके कारण से आपको कूलिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो वोल्ट भी चेक करना ज़रूरी है, आपके एरिया में आपके घर पे वोल्ट होना ज़रूरी है। अगर प्रॉपर वोल्ट मिलेगा उसे 220 या फिर 220 से थोड़ा कम भी रहेगा, तब भी जो लो वोल्ट का इन्वर्टर है वो अच्छा तरीके से रन करेगा, ठीक है। एक और प्रॉब्लम मैंने देखा है लो एडीसी में, ये इंस्टॉलिंग का प्रॉब्लम नहीं होता, ये लो एडीसी में इस तरह प्रॉब्लम मैंने देखा है। वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा आता है तो पीसीबी जो आउटडोर यूनिट कराता है वो ख़राब हो जाता है। ऐसे नॉर्मल सा बात है, वोल्टेज कहीं पर भी अगर ज़्यादा आएगा तो कोई भी एसी रहेगा उसका पीसीबी ख़राब होना है। तो पीसीबी ख़राब होने के बाद प्रॉब्लम हमारा ये होता है कि जो हमारा आउटडोर यूनिट का मोटर होता है, फैन का मोटर, वो स्पीड जो रहता है वो एकदम स्लो चलने लगता है। आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा, कभी भी आपका न्यू एसी लगाया, कूलिंग कम कर रहा है, तो आउटडोर यूनिट का मोटर को आप चेक कीजिएगा। हो सकता है आपका अगर स्लो मोटर चले, पंखा स्लो चले, तब समझिएगा वो गर्म हवा को प्रॉपर तरीके से निकाल नहीं पा रहा है। अगर गर्म हवा को प्रॉपर तरीके से वो निकाल नहीं पाएगा तो आपका जो कंप्रेसर रहता है वो ओवरहीट होगा, और ओवरहीट होने के बाद ये नॉर्मल सा बात है, कंप्रेसर ट्रिप करेगा, और जब कंप्रेसर ट्रिप करेगा तो आपको कूलिंग मिलेगा ही नहीं। तो भाई ये सब नॉर्मल सा बात है, इस चीज़ के भी आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, ये 4-5 कारण थे जिसके वजह से आपका जो एसी कूलिंग नहीं करता, ये कुछ रीज़न होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम होता है, एक और कंडीशन होता है जो भी आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपके एसी प्रॉपर रन कर रहा है, न्यू एसी 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना चल चुका है, तो आपका जो उस इंडोर यूनिट में जो फिल्टर होता है उसमें गंदगी आने लगता है, और गंदगी आने से क्या होगा, जो हवा का फ्लो रहता है वो कम आने लगता है, और उस कंडीशन में हमें यही लगता है कि ये एसी में भाई कूलिंग कर ही नहीं रहा है। तो आप फिल्टर को निकाल करके प्रॉपर साफ़ करोगे तो हवा का फ्लो आपको ज़्यादा मिलेगा, और ज़्यादा आने के बाद आपको कूलिंग अच्छा से अच्छा देखने को मिलेगा। पहला कंडीशन, ऑडियो यूनिट सही जगह पे लगाना है। दूसरा कंडीशन, आपको वैक्यूम कराना है। तीसरा कंडीशन, आपको नट को टाइट करवाने के बाद लीकेज भी टेस्ट करवाना है। और जो चौथा कंडीशन हमारा है वो हमें ये चेक करना है कि हम घर पे अपना वोल्ट उसके प्रॉपर दें, वोल्टेज अगर सही से देंगे तो एसी हमारा प्रॉपर तरीके से रन करेगा, ठीक है। और पांचवा कंडीशन, आपका एसी में अगर फिल्टर वगैरह गंदा होता है, इसके कारण से भी आपका एसी में जो कूलिंग होता है वो कम से कम देखने को मिल पाता है। तो ये 4-5 कारण था जिसके वजह से आपका एसी में कूलिंग नहीं मिल पाता है। कंपनी का प्रॉब्लम नहीं होता, मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस चीज़ को दिमाग से निकाल लीजिए। लोएड एसी ख़राब है, लोएड एसी बेकार है, भाई लोएड एसी बढ़िया है, बहुत जगह पर रन कर रहा, बहुत अच्छे तरीके से उसका सेलिंग भी हो रहा है। मैं ये नोटिस कर चुका हूँ, सेलिंग के मामले में बहुत आगे जा चुका है लोएड एसी, और परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन कुछ कुछ जो कंडीशन होता है इंस्टॉलर के वजह से, उसके वजह से कंपनी का नाम खराब होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कभी भी ये प्रॉब्लम होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। वंदे मातरम, जय हिंद।